मेंबर काउंसिल असेंबली पूंछ शाह मोहम्मद तांत्रे ने छंबर कनारी के लोगों की परेशानियों को देखते हुए आज वहां पर सड़क की तामीरात का काम शुरू करवाया। इस दौरान पीडीपी के दीगर रहनुमाओं के अलावा मुकामी लोग भी मौजूद थे जिन्होंने मेंबर काउंसिल असेंबली का शुक्रिया अदा किया। इन लोगों का कहना था कि वो अरसा दराज से कदीम तर्ज की जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे क्योंकि उनकी तरफ सड़क का रास्ता न था। इन लोगों ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लेकर मेरा दादा भी कहता था रोड चाहिए, मेरा बाप भी कहता था मुझे रोड चाहिए, लेकिन वो ऐसे कहते कहते चले गए। अब मैं भी जाने वाला था तो खुदा ने हमें ऐसा फरिश्ता दिया तो उसने दिखाई दिया। एमएलए साहब खड़ा हुआ इलेक्शन में, शाह साहब मेरो पाई है, शाह साहब मेरो पाई है, जिस वेला खड़ा हुआ तो एनसी कांग्रेस की तबाही है। वहां पर सड़क शुरू कर रहे हैं जल्दी, तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि हमारी कोशिश है जहाँ जहाँ हमारे लोग जो हैं वो पिछले 40 साल से तरसते रहे तड़पते रहे सड़क के लिए, इंशाल्लाह हम सबको सड़क देंगे। आपकी दुआओं की जरूरत है, यहाँ पर पूरा मुआवजा मिलेगा। मैं आज ही अपने तहसीलदार से और हार्टिकल्चर वालों से कहूँगा वो कल ही आकर यहाँ पर इसका पूरा बनाए मुआवजा, जो भी नुकसान होने जा रहा है तो उसका आपको मुआवजा मिलेगा, इसकी आप कोई फिक्र नहीं करें। मैं आपका एक नौकर होने की हैसियत से आपको यकीन दिलाता हूँ। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि कट्ठा मोमन में या इसके अलावा जो भी इलाके यहाँ आते हैं जहाँ बैंकर्स की जरूरत है, मैं इंशाल्लाह आज ही रिस साहब से बात करूंगा और आपको वो बैंकर्स वहाँ भी हम दिलाएंगे, बहुत जल्द दिलाएंगे। सब अल्लाह का कर्म है और आपकी दुआएं हैं और हमारे बुजुर्गों का हमारे सर पे आसरा है। ये जालियां का एक सिलसिला जो है वहीं से जो रोशनी निकली हमें उसी रोशनी के नीचे है, तो वहीं से ये सिलसिले बनेंगे भी और इंशाल्लाह हम कामयाबी भी हासिल करेंगे, हम कामयाबी हासिल करते रहेंगे। ये जानिया के दरबार से ही आज से 30 साल 35 साल पहले आपके पास यहाँ पर बैठकर मेरे पीर मुर्शिद फिरजादा जनाब फिरजादा हफीजुल्ला शाह साहब शहीद, उन्होंने आपको यहाँ पे बैठ के ये कहा था, फरमाया था कि भाई एक वक्त आएगा शाहों का मेले बनेगा और उसके बाद 26-27 साल के बाद मेले बना। ये वही सदका हमें है, हमें उसी से जुड़ के रहना है,